subscribe to my channel for more videos, and press the bell icon for latest updates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, आज का जो हमारा topic है, उसमें basically हमने discuss करना है कि वो light जो photosynthesis के process को चलाती है, वो कैसे absorb होती है, वो कैसे work करती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस light को absorb करती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है. लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले लाइट जिस चीज़ का पार्ट है, पहले हम उससे बात स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट को मेजर किया जाता है आमतौर पे वेवलेंथ में, और हमारे पास वेवलेंथ दो तरह की हैं. कुछ हमें नज़र आती हैं, कुछ हमें नज़र नहीं आती. जो लाइट है वो ऐसी वेवलेंथ है जो हमें नज़र आती हैं. तो पहले हम थोड़ा सा वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लें कि वेवलेंथ बेसिकली जो रेडिएशंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, लाइट भी वो इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ऐसी वेवलेंथ को कहा जाता है जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. जैसे वाटर वेव्स अगर मूव कर रही हैं तो उसको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आम तौर पे जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक आती है, दरमियान में कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी वो दरमियान क्रॉस करके आ जाती, तो ऐसी वेवलेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ. तो ये जो हमने एक स्पेक्ट्रम ड्रा किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है किसकी रेंज कहाँ तक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली ये वैसे आपकी बुक का पार्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इससे काफ़ी सारे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, बायो में भी. इस वजह से थोड़ा सा आप समझ लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा. तो सबसे पहले हमारे पास जो रेज आती हैं जिसको हम वेव, अच्छा इससे पहले भी काफ़ी सारी वेव्स हैं, इसके स्पेक्ट्रम के बाद भी काफ़ी सारी वेव्स हैं, लेकिन आम तौर पे जो इस लेवल पे सिर्फ इन्हीं वेवलेंथ को डिस्कस किया जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास गैमा रेज हैं जिसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक है. उसके बाद एक्स रेज हैं जो आमतौर पर बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती है, डायग्नोसिस के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से 10 माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है सॉरी. अब 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर के दरमियान में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं या अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ आती हैं. उसके बाद 380 नैनोमीटर से 750 विजिबल लाइट, 750 नैनोमीटर से 25,000 नैनोमीटर इंफ्रारेड, और 25,000 नैनोमीटर से 1 लाख तक फार रेड, और 1 लाख से ऑनवर्ड माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, इसी तरह सो ऑन, और भी काफ़ी सारी वेव्स हैं लेकिन वो हायर लेवल पे डिस्कस की जाती. तो ये अगर हम बात करें एनर्जी की, तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उसके पास सबसे ज़्यादा होगी, यानी गैमा रेज़ के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड और सब फॉररेड एंड माइक्रोवेव. तो इनमें सबसे कम जो एनर्जी है वो माइक्रोवेव्स की है, यानी गैमा रेज सबसे हायर लेवल पे हैं इस स्पेक्ट्रम में जो यहाँ लिखा हुआ है, गैमा रेज सबसे हायर लेवल पे हैं. तो हम नीचे बॉटम की तरफ आएंगे तो एनर्जी कम होती चली जाएगी. लेकिन हमने जो फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करना है वो सिर्फ इस पूरे स्पेक्ट्रम के इस पार्ट को डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, और जिसकी वेवलेंथ है 380 से 750. ये वो लाइट है जो हमें नज़र आती है, ये वो वेवलेंथ है जिसको विजिबल लाइट कहा जाता है और ये हमें नज़र आती है. उसके बाद अगर इस वेवलेंथ को हम डिटेल में डिस्कस करें 380 और 750, तो आम तौर पे जो सूरज की रोशनी जो वाइट लाइट है जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके 7 कलर डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो डिस्पर्स हो जाती है 7 लाइट्स में. तो उन लाइट्स में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ तक हैं, सबसे पहले हमारे पास 380 से 400 के दरमियान वायलेट है, 400 से 420 के दरमियान इंडिगो है, और 420 से 495 के दरमियान ब्लू है, 495 से 570 ग्रीन है, 570 से 595 येलो है, 595 से 620 ऑरेंज है, और 620 से 750 रेड लाइट्स हैं.
अच्छा, ये वेवलेंथ जो मैंने यहाँ ड्रा की है, ये ज़्यादातर आपके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बने हुए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे उन ग्राफ को, तो उससे रिलेटेड हैं। अगर आप इंटरनेट पे या डिफरेंट बुक्स में देखें तो इनकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि हर एक बुक ने अपने लिहाज से उसकी एक प्रॉपर रेंज बना रखी है। तो बारह आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। अगर आपने बुक के इन टॉपिक्स को समझना है, 380 नैनोमीटर से वायलट, 400 नैनोमीटर फिर इंडिगो, 420 तक, 420 से ब्लू लाइट, 495 वहाँ से 570 ग्रीन, 570 से येलो, 595 ऑरेंज, 620 तक रेड, 750। अच्छा, इसको याद करने का तरीका विब जी ओर वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो ये 7 लाइट हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं। जी, ये 2 स्पेक्ट्रम है, ये बस आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है, ताकि MCQs अगर इससे रिलेटेड बन जाएं तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये बायो में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसकी इस तरह की जो वर्डिंग है, जैसे गामा रेज काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है वर्ड इस आपकी बुक में, एक्सरेज का वर्ड काफ़ी दफ़ा, अल्ट्रा वायलेट का वर्ड काफ़ी दफ़ा, विजुअल लाइट को, तो वैसे हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह फॉर रेड का वर्ड इस्तेमाल, ये सारे जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये बायो में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से आप लोगों को इसकी रेंज ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक का टॉपिक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बेसिकली हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसके 7 कलर्स हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो ये जब भी हम पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट से जब वाइट लाइट पास करती है तो कुछ कलर पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ कलर को वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर देते हैं। तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट है जो विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है, पिगमेंट आर द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, यहाँ आगे उसने डिटेल बता दी कि डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट, कुछ किसी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ज़्यादा, कुछ किसी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी बुक में 2-3 पिगमेंट्स की एग्जांपल भी दी गई है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि हम जो यहाँ पिगमेंट डिस्कस करेंगे वो वही है जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट जो जहन में और जो मेजर थीम है, आप कह सकते हो कोर कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, वो ये है कि जब भी हम सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक पिगमेंट है, जब इससे विजिबल लाइट गुजरती है, विजिबल लाइट से क्या मुराद है कि जिसमें 7 कलर है, तो मे बी पॉसिबल है जब ये 7 कलर वाली लाइट इससे गुजरे तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ कलर रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाए। सपोज मैं कहता हूँ ये पिगमेंट ऐसा है कि जिसमें ये लाइट ब्लू ग्रीन येलो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, जबकि वायलेट और इंडिगो ऑरेंज और रेड ये कलर ट्रांसमिट हो गई या आप रिफ्लेक्ट कह सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि रेड लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो 7 में से 4 लाइट ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हुई और 3 लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ब्लू ग्रीन येलो 3 लाइट एब्जॉर्ब। तो यहाँ हमारे पास 2 किस्म की लाइट, कुछ पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की, कुछ एब्जॉर्ब नहीं की। तो ये जो बात मैं करने लगा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हर लेवल पे आपने इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है और याद रख के उसको इस्तेमाल भी करना है इस कॉन्सेप्ट को। वो लाइट जो एब्जॉर्ब हो जाती है बाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, और वो लाइट जो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होती है वो कलर ऑफ द पिगमेंट बनाती है। यानी सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक्स पिगमेंट था, इसने
ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसने तीन लाइट एब्जॉर्ब की, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज और रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पिगमेंट की वजह से जो फोटोसिंथेसिस होगी वो तीन लाइट्स करवाएंगी, ब्लू, ग्रीन और येलो, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गई। और इस पिगमेंट की वजह से जो कलर बनेगा या तो वो वायलेट कलर होगा या इंडिगो होगा या ऑरेंज होगा या फिर रेड होगा। तो इन चार कलर में से इसका कोई ना कोई कलर हमें नज़र आ रहा है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ज़रिए से वो बेसिकली आम तौर पे डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर से क्या मुराद है? अंदर जाके गायब हो जाती और वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती। और वो लाइट जो ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है तो वो आमतौर पे कलर बनाती है। इसको समझने के लिए हम एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफिल्स। अब क्लोरोफिल्स एक ऐसा पिगमेंट है जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसने फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है, जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर हम इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को देखें तो हमारे पास सपोज ये क्लोरोफिल है, इसमें चार लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब वो लाइट वाइट लाइट जब इसके ऊपर एग्जर्ट होती है तो वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड, जबकि इंडिगो, ग्रीन और येलो, ये तीन लाइट ट्रांसमिट हो जाती। अब हमारे पास सात में से चार लाइट्स एब्जॉर्ब हुई और इंडिगो, ग्रीन और येलो ये रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल किन लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करेगा और किन लाइट को के ज़रिए से कलर बनाएगा, तो इसका जवाब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल किन लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करेगा, उनकी तादाद है चार, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। यानी क्लोरोफिल हमेशा फोटोसिंथेसिस वायलेट लाइट के ज़रिए से कर सकता है, ब्लू लाइट के ज़रिए से कर सकता है, ऑरेंज लाइट के ज़रिए से कर सकता है और रेड लाइट। हाँ, अब क्लोरोफिल का कलर कैसा हो सकता है? क्लोरोफिल का या तो इंडिगो कलर हो सकता है या ग्रीन कलर हो सकती है या फिर येलो कलर हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पास लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है वो कलर बनाती है। लेकिन जब भी हम क्लोरोफिल की बात करते हैं हमें सिर्फ ग्रीन क्यों नज़र आता है? क्योंकि ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क कलर है और डार्क कलर की खासियत ये होती है कि वो आमतौर पर हल्के कलर को मास्क कर देता है। इस वजह से हमें सिर्फ क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नज़र आता है। यानी कलर हमेशा उस पिगमेंट का कलर हमेशा वो होगा जो लाइट ट्रांसमिट हुई है या रिफ्लेक्ट हुई है। अब हमारे पास क्लोरोफिल में इंडिगो, ग्रीन और येलो लाइट या तो ट्रांसमिट हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्रांसमिट का मतलब तो गुजरना, रिफ्लेक्ट का मतलब है कि टकरा के वापस आ जाना। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बार दफ़ा हम वर्डिंग तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट को उन वर्डिंग का मतलब भी नहीं पता होता। तो ट्रांसमिट का मतलब होता है कि एक चीज़ का गुजर जाना और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि टकरा के वापस आ जाना। यानी बस बहरहाल आप इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट का कि पिगमेंट उन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो क्लोरोफिल हमें सिर्फ ग्रीन क्यों नज़र आता है? क्योंकि इंडिगो, ग्रीन और येलो, इंडिगो और येलो है लाइट कलर, ग्रीन है डार्क कलर, और डार्क कलर हमेशा लाइट कलर को छुपा देता है। एक सफ़ेद कलर हो, एक काला कलर हो, आप सफ़ेद और काले को मिक्स करें तो आमतौर पर हमें ज़्यादातर काले ब्लैकिश कलर नज़र आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सपोज हमारे पास एक MCQ हमने बना दिया कि क्लोरोफिल सारे कलर को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय एक कलर के, उसमें ऑप्शन चार हो। सबसे पहले हमारे पास वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। अब स्टूडेंट ये बात तो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्या है।
अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि क्लोरोफिल क्या ग्रीन कलर को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगा, तो 95% स्टूडेंट ऐसे हैं उनका जवाब होता है यस। हालांकि ग्रीन कलर की जब भी बात आएगी, हमेशा वो लाइट्स कलर बना रही होती हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है ग्रीन, येलो और इंडिगो, ये तीन लाइट्स कभी भी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड को इस्तेमाल करेगी। ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये जो बात मैंने बताई है कि वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड एब्जॉर्ब होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, इंडिगो, ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब नहीं होते, कलर बनाते हैं। इस बात को आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि यही बुनियाद है अगला जो सारा पोर्शन है, यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से पहले पहले वाला, वो इन दो बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप चलेंगे तो वो समझना आसान होगा। अच्छा, फिर आमतौर पे क्लोरोफिल्स की दो टाइप, बैक्टीरिया में और यूकैरियोटिक क्लोरोफिल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो डिस्कस नहीं किया गया आपकी बुक में। तो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है, और यूकैरियोट में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उनके नाम है ए, बी, सी, डी। हाँ, ए और बी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इन सारे क्लोरोफिल में स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन इन सारों का क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्लोरोफिल मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसने सारा काम करना है। इसकी डिटेल आगे बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्लोरोफिल को हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कहते हैं। उसके बाद बाकी काफ़ी सारे और पिगमेंट भी प्लांट में होते हैं, जैसे कैरोटीनाइड, इनको एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है। सबसे पहले वर्ड आपने याद रखना है, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी आमतौर पर हेल्पर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, फैसिलिटेटर, जो किसी मेन चीज़ की हेल्प कर रहा हो। ये आमतौर पे जैसे मोबाइल होता है, तो मोबाइल के साथ मोबाइल की एसेसरीज होती हैं, जैसे हैंड फ्री है, ब्लूटूथ है, उसके बाद आपके सिंथ चार्जर है, अब ये सारी एसेसरी। हालांकि अगर हैंड फ्री ना भी हो, मोबाइल काम करेगा, आप उससे काम ले सकते हो, लेकिन हैंड फ्री हो तो आप थोड़ा से बेहतर अच्छे अंदाज में काम ले सकते हो। यानी हेल्पर कोई ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो ना भी हो, काम हो रहा होता है, लेकिन अगर वो हो तो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा होता है। तो अगर कैरोटीनाइड्स ना भी हो, तो आमतौर पे क्लोरोफिल अकेला फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन कैरोटीनाइड्स अगर हों, एसेसरी पिगमेंट अगर हों, तो क्लोरोफिल में जो फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। उसको भी डिस्कस करेंगे क्यों हो जाती है। जैसे प्लांट में कैरोटीनाइड्स होते हैं तो आमतौर पे येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट हैं, तो ये इस कलर के पिगमेंट होते हैं। आगे कैरोटीनाइड की दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं रॉक, एक को कहा जाता है यॉक्स। रॉक से क्या मुराद है, रेड ऑरेंज कैरोटीन। अब मैंने कहा रेड ऑरेंज कैरोटीन, तो इसका मतलब है कैरोटीन ना रेड कलर एब्जॉर्ब करेंगे ना ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों कलर कैरोटीन्स कभी भी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह यॉक्स की अगर हम बात करें, येलो ऑरेंज जेंथोफिल्स, यॉक्स येलो ऑरेंज जेंथोफिल, तो इसका मतलब है ये येलो और ऑरेंज कलर जेंथोफिल एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो कलर हमें नज़र आ रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, वो कलर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करते, वो कलर या तो ट्रांसमिट हो रहा होता है या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, एसेसरी पिगमेंट की वजह से ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि आम तौर पे प्लांट के अंदर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है और इस्तेमाल हो रही होती है। कैसे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें। जैसे हम कहते हैं क्लोरोफिल अगर हमारे पास अकेला प्लांट में होता, तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन और सॉरी ऑरेंज और रेड, ये चार कलर तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर सिर्फ प्लांट में क्लोरोफिल होता, तो जो इंडिगो कलर है, जो येलो कलर है, जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, सॉरी ग्रीन कलर है या फिर येलो कलर है, अब ये तो प्लांट फिर इस्तेमाल नहीं कर पाता फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए। हमने तो फोटोसिंथेसिस को मेन प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, अगर सपोज क्लोरोफिल के साथ आगे मौजूद हो कैरोटीनाइड्स,
तो ये इंडिगो कलर और ग्रीन कलर को तो इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप कह सकते हैं, सपोज अगर हम इसकी बात करें जैंथोफिल की, ये येलो कलर को ट्रांसमिट कर देते तो आगे कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन इस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर क्लोरोफिल अकेला हो तो काफ़ी सारी लाइट प्लांट में टोटली इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन अगर एसेसिटी पिगमेंट हो तो उन लाइट्स के इस्तेमाल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जितने भी एसेसिटी पिगमेंट हैं वो लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, अच्छा इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो सनलाइट जितनी आई है वो सारी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। उसकी वजह ये है कि सनलाइट में से रोशनी इतनी ज़्यादा आती है, उसका सिर्फ प्लांट के पास जो एबिलिटी है, प्लांट के इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के पास जो एबिलिटी है वो सिर्फ 1% एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, 99% लाइट है वो तो या तो ट्रांसमिट हो जाती है लीव से या रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिर्फ 1% ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि आने वाली लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, और हर चीज़ की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है कि सूरज की जो रोशनी 100% आ रही है उसका सिर्फ 1% आमतौर पर एब्जॉर्ब हो रहा होता है बाई द लीव्स, और आमतौर पर ये सारे जो पिगमेंट हैं ये लीव्स के अंदर। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, ये हमें बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हर पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना हुआ है, और बनता कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यानी इस्तेमाल करते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का पता चलता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसके नाम से जाहिर है, मीटर मैयर करने को, पैमाइश करने को फोटो लाइट को कहा जाता है, इसको फोटो स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये बताए कि किस पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया है, और उसके बाद एक ग्राफ बना दे, वो जो ग्राफ है जो हमें ये बता रहा होता है कि ब्लू लाइट इतनी एब्जॉर्ब हुई, ग्रीन लाइट इतनी एब्जॉर्ब हुई, या येलो लाइट इतनी एब्जॉर्ब हुई, ऑरेंज लाइट इतनी एब्जॉर्ब हुई, उस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी जो इंस्ट्रूमेंट ग्राफ बनाता है उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो ग्राफ बनता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैंथोफिल्स के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, कैरोटीन्स के भी, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी सारे ग्राफ आगे डिस्कस होंगे। अभी सिर्फ अपनी डेफिनेशन याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो ये बता रहा होता है कि पिगमेंट ने किस किस्म की वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया है, और यानी ग्राफ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ग्राफ शो कर रहा होता है हर चीज़ की वैल्यू को, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो इंस्ट्रूमेंट जो बनाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो ग्राफ बनता है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस में, कि लाइट कौन सी काम करती है फोटोसिंथेसिस में, कौन सी लाइट काम नहीं करती। दोबारा मैं बता देता हूँ कि वो लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो फोटोसिंथेसिस में काम करती है, वो लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो आमतौर पे पिगमेंट का कलर बना रही होती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिहाज से। अगले लेक्चर में हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, क्लोरोफिल का फंक्शन डिस्कस करना है, क्लोरोफिल की टाइप्स को डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।